के जो फोटोज है उसपे भी दो चाय की फोटोज है। तो हम अल्लड़ चाय प्रेमी जो है ना, इन्होंने टी क्लोटलर के जो शब्द है ना, इसको बहुत लिटरली ले लिया है। मतलब हमारे लिए टोटल हिसाब किताब ही टी है। तो इसी चाय के लिए जो मेरा प्रेम है उसको डेडिकेट करते हुए मैंने एक कविता लिखी है, वही कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। शुक्रिया। तो इस कविता का शीर्षक है इश्क सच्चा वही जो हमने चाय से किया है। शुरू करता हूँ। इश्क सच्चा वही जो हमने चाय से किया है, इश्क सच्चा वही जो हमने चाय से किया है कि हर एक बार इसे चुस्कियों के साथ पिया है। और इस इश्क की सच्चाई तो हमने दुनिया से जताई है, और इस इश्क की सच्चाई तो हमने दुनिया से जताई है। घर वाली बाहर वाली नहीं, हमने हर महफिल में महबूबा अदरक वाली बताई है। तो हर कोई आशिक अपनी महबूबा के बारे में तारीफ में कुछ चर्चा करता है, तो मैंने भी चाय के लिए कुछ चर्चा की है, वो आपके सामने पेश करूंगा। बेकाबू कर दे ऐसे इस चाय का जिस्म महकता है, बेकाबू कर दे ऐसे इस चाय का जिस्म महकता है, इसके हर चुंबन पर आशिक वाह कहकर उछलता है। ये हर रंग में रूप में हमें हमारी जान लगती है, ये हर रंग में रूप में हमें हमारी जान लगती है, और इस इश्क की आग में ये हर मौसम सुलगती है। इसके आशिक भी शकीरा और लैला से कम नहीं है, इसके आशिक भी शकीरा और लैला से कम नहीं है, पर ये आशिकी सबसे निभाती है तो कोई गम नहीं। और इसके हर आशिक ने इसके साथ अपने अलग ढंग से रंगरलिया मनाई है, और इसके हर आशिक ने इसके साथ अपने अलग ढंग से रंगरलिया मनाई है। इसके प्यार में बड़े बाजारों से लेकर सारी तंग गलिया सजाई है। इसका नशा भी किसी देसी मदिरा सा है, इसका नशा भी किसी देसी मदिरा सा है, और एक तरफा ये इश्क हमारा भी मीरा सा है। और चाय से एक तरफा इश्क तो और भी मुश्किल है, और चाय से एक तरफा इश्क तो और भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहते ही डूब जाता ये बिस्कुट सा दिल है। पाने को इसको भी इलायची सी हमारी जान रगड़ती है, पाने को इसको भी इलायची सी हमारी जान रगड़ती है, और इसके चक्कर में उधार से कितनों से बात बिगड़ती है। हर मुकम्मल इश्क में ठरक की भी भूमिका मौजूद है, हर मुकम्मल इश्क में ठरक की भी भूमिका मौजूद है, क्योंकि लबों से मिलाए बिना भला कहां इस इश्क का वजूद है। इस बिन दिल की सारी ख्वाहिशें अधूरी है, इस बिन दिल की सारी ख्वाहिशें अधूरी है, हर दिन रात सुबह शाम खुशी गम सारे हालातों पर ये जरूरी है। अब हर इश्क में दर्द भी होता है, और ये तो एक तरफा है, दर्द और ज्यादा है। सो उसी दर्द को बयान करते हुए मैंने लिखा है, पर इश्क क्योंकि एक तरफा है तो ये सिर्फ मेरी नहीं हो पाएगी, पर इश्क क्योंकि एक तरफा है तो ये सिर्फ मेरी नहीं हो पाएगी, इसका सुख दुख सबसे है जो ये आखिरी घूंट तक निभाएगी। और अच्छा ही है, और अच्छा ही है, क्योंकि जो पी लूं कभी कॉफी जूस तो ये रूठती नहीं है, जलसी नहीं है ना। और अच्छा ही है क्योंकि जो पी लूं कभी कॉफी जूस मैं तो ये रूठती नहीं है, और किसी एक तरफा आशिक की तरह मुझसे भी इसकी आदत छूटती नहीं है। अब भले मुकम्मल हो या ना हो, अब भले मुकम्मल हो या ना हो, पर इश्क सच्चा वही जो हमने चाय से किया है कि हर एक बार इसे चुस्कियों के साथ पिया है। एक चाय प्लीज। थैंक यू। लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।